एक दिन बजाज अलायंस को सचिन नाम के व्यक्ति का कॉल आता है। वो बताते कि उनके चाचा अजीत और चाची सरस्वती हरियाणा के एक विलेज में जा रहे थे, तभी पीछे से गाड़ी आई जिसने उन्हें उड़ा दिया और उसमें उनके चाचा अजीत की डेथ हुई। मिस्टर अजीत ने एक टर्म इंश्योरेंस प्लान खरीदा था उनकी डेथ के बाद में कंपनी ने उन्हें उसका पेमेंट किया। इसके कुछ ही दिनों बाद भारतीय एक्सा नाम की इंश्योरेंस कंपनी को भी सिमिलर कॉल आता है। ऐसे रिपीटेड केसेस के बाद वो उसकी इंक्वायरी करने लगते हैं तो उन्हें बहुत ही शॉकिंग चीजें पता चलती हैं। एक तो ये कि जितने भी एक्सीडेंट हुए हैं उसमें हर किसी को सर पर चोट पहुंची है और हॉस्पिटल पहुंचने से पहले उनकी डेथ हुई। दूसरा ये कि ये सारे लोग फार्मर हैं। ऐसे में डाउट्स और बढ़ने लगे। इन सारे प्रूफ्स के बाद FIR फाइल की गई और उसमें फाइनली इस स्कैम के मास्टरमाइंड को पकड़ा गया और उसने ये बताया कि वो रूरल एरिया के लो इनकम बैकग्राउंड के लोगों को पकड़ते थे जो कैंसर के आखिरी स्टेज में रहा करते थे और फिर वेट करते थे उनकी डेथ का और फिर ऐसे कोई एक्सीडेंटल डेथ दिखाकर ये इंश्योरेंस अमाउंट क्लेम करते थे। सुनने के लिए तो ये एक मूवी की कहानी लगती है। ऐसे ही फाइनेंशियल फ्रॉड्स को जानने के लिए जरूर कनवे को सब्सक्राइब करें।